हम जैसे लोग जैसे हैं। अब मान के चलो यहां भी नहीं निकल पाए। आप विषय बराबर है। LLB में महारत हासिल करते हैं आर्ट फैकल्टी के। ताली बजा। अगली श्रृंखला में हमारे बीच मौजूद है हमारे आर्ट्स विषय के आयामों को बताने के लिए धर्मेंद्र सर, और हम एक बार और ताली का ये भी कहेंगे कि आज हमारे धर्मेंद्र सर यहाँ प्रथम बार हमारे से रूबरू हो रहे हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। टेंथ पास करने के बाद जैसे ही आप विषयों का चयन करते हैं तो उसमें एक फैकल्टी आती है, आर्ट फैकल्टी। अब आर्ट फैकल्टी में होता क्या है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि 11वीं में बहुत से बैठे हैं आर्ट वाले, इनको अभी भी पता नहीं है कि आर्ट विषय ने क्यों ले लिया। तो हम बताते हैं, आर्ट विषय लेने के बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा आपको का बनने के लिए, कलेक्टर बनने के। SP बनने के लिए, और चार सिलेक्शन होते हैं UPSC के द्वारा। UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो दिल्ली में है। IAS फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे कहा जाता है कलेक्टर। फिर एक दूसरा कैडर होता है IPS। थोड़े से कम नंबर मिले हैं आप हो तो IAS में नहीं आके फिर जाएंगे काय में, IPS में, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे अपन बोलचाल में बोलते हैं क्या, SP। फिर उसके बाद एक तीसरी रैंक होती है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। उसमें बनते हैं जो एक विदेश विभाग होता है, उसमें सचिव वगैरह जो अधिकारी होते हैं वो IFS से लिए जाते हैं। फिर एक और IFS होता है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें बनते हैं DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस। तो ये हो गया कहाँ का सिलेक्शन, UPSC का। अब भाई UPSC दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने इंदौर पहुंच जाओ, तो वहां PSC दे लो, पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अपना एक कमीशन हो, सर्विस कमीशन सिलेक्शन का होता है, जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, राज्य सेवा आयोग। यहाँ पे आप PSC में बैठेंगे तो आपको वहाँ का सबसे बड़ा पद होता है डिप्टी कलेक्टर का, सिलेक्शन होता है जो SDM होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है उन्हें। फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, CMO, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जनपद पंचायत में नगर पालिका में होते हैं, और बहुत ढेर सारे पद होते हैं PSC के द्वारा, जिन्हें आप क्वालिफाई करके प्राप्त कर सकते हैं। अब PSC और UPSC में यदि जुगाड़ नहीं लगी, जुगाड़ भाई बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं बन पाई व्यवस्था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम जैसे लोग जैसे हैं। ठीक है, तो फिर भाई उसी विषय से MA कर डालो और चले जाओ कहां, यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओगे। अब प्रोफेसर भी नहीं बन पाए तो फिर व्यापम में बैठ जाओ, वर्ग 1 में आ जाओ। आप तो उच्च माध्यमिक शिक्षक हो गया है पद। ये आपके विषय का, आर्ट विषय का, अन्य सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसा इक्वल पद आपको एक टीचिंग लाइन में भी मिलेगा स्कूलों में। जैसे हम और HL सर, GP पटेल सर हैं, तो आर्ट का विषय आपको स्कूल में भी मिलेगा उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में। आप इसमें भी नहीं निकल पाए तो फिर इससे एक नीचा पद है माध्यमिक शिक्षक, वहां चले जाओ मिडिल स्कूल में। ठीक है, अब
अब मान के चलो यहां भी नहीं निकल पाए। तो फिर कहां जाऊं? प्राइमरी स्कूल में सबके लिए द्वार खुले हैं, सब विषय बराबर हैं। वहां पे गणित विज्ञान बायोकेमिस्ट्री वाले सब बराबर हो जाते हैं। तो आपके लाने प्राथमिक शिक्षक का पद मिल जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षक का पद, क्योंकि देश के भविष्य की शुरुआत तो यहीं से हो रही है। आप ही को करना है प्राथमिक शिक्षकों को, एक बार ताली बजाओ प्राथमिक शिक्षकों को। अब जैसे जमीन निकाल पाता हूं, तो अब एक द्वार और खुला है बहुत बड़ा, फिर कर डालो LLB। हालांकि LLB ये होती है बैचलर ऑफ लीगल ला, वो सबके लिए है, BS ग्रेजुएशन के बाद सब कर सकते हैं, लेकिन LLB में महारत हासिल करते हैं आर्ट फैकल्टी के। ताली बजा। जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हुए हैं, आप उनका बायोडाटा निकल रहा देखता आर्ट्स में पढ़े, तो LLB करेंगे आप। तो वहां LLB करने के बाद बढ़िया तैयारी तो कर डाली थी पहले से सबरी, थोड़ी सी और कर लो तो सिविल जज बन जाओगे। अब सिविल जज में भाई ज्ञान तो खूब था, लिख नहीं पाए क्योंकि भाई लिखने की कला से सिलेक्शन होता है, काम बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में, ज्ञान से नहीं होता है। अब लिख तो नहीं पा रहे थे, फिर उसमें एक द्वार और खुलता है ADPO का। ADPO में क्या होता है, लिखना नहीं पड़ता, होते टिक लगाने पड़ती है। तो बढ़िया टिक लगा डालो, ADPO बन जाओ। तो ये बहुत से ऐसे पद हैं जो आप यदि आर्ट फैकल्टी या आर्ट विषय लेकर पढ़ते हैं तो आप इन पदों पर पहुंच सकते हैं। और यदि आपके कोई मित्र डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, आप अपनी गलती से या परिस्थितियों वश साइंस नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि जो अभी नहीं ले पाते हैं विषय में गड़बड़ी कर देते हैं जो 11वीं में, ये इन विषयों का पता तब चलेगा आपको जब वो पद आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और आपका बाजू वाला 10वीं क्लास तक आपके साथ पढ़ने वाला एक सामान्य छात्र ये साइंस साइंटिफिक विषयों संबंधी जो पद होते हैं उन पर पहुंचता है, वो दुख तब होगा। ठीक है, धन्यवाद।